अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। जैसा कि हमें पता है कि पहले हम नाम से थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे है, फिर उसके बाद हम डिटेल से थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ होता है रिलेशन। रिलेशन मीन ताल्लुक, रिश्ता, कोई ना कोई रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में भी हमें पता है। ऑपरेटर क्या करता है, कोई ना कोई काम करवाता है, किस पे, ऑपरेंड पे। जैसे एग्जांपल मैंने दी ए प्लस बी, तो प्लस ने क्या करवाया, काम करवाया, किस पे, ए और बी पे। ए और बी ऑपरेंड है जबकि प्लस क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। 2 + 5 लिख दिया ना, तो आंसर आ गया 7, ठीक है। तो 2 ने क्या करवाया, ये 2 और 5 पे काम हुआ, किसने काम करवाया, इस प्लस ने। तो प्लस ने काम करवाया तो ये ऑपरेटर है, और जिन पे काम हुआ ये ऑपरेंड है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर एक ऐसे सिंबल हुआ करेंगे जो कि ऑपरेंड के दरमियान रिलेशन बताया करेंगे। कौन सा रिलेशन बताया करेंगे कि क्या ये फ्रेंड है, ऐसा रिलेशन नहीं, ये बताया करेंगे कि एक चीज़ दूसरी से छोटी है या बड़ी। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या 2 जो है वो 7 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर मैं कहूँ 2 जो है वो छोटा है 7 से, तो ये चीज़ बल्कि ये तो फाल्स हो गया ना, 2 कहाँ बड़ा होता है 7 से, ये फाल्स हो गया। अब 2 छोटा है 7 से, बिल्कुल छोटा है, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। रिलेशनल ऑपरेटर का जो आंसर है वो या तो ट्रू या तो फाल्स आता है। अगर मैं आपसे कहूँ आप मेरे दोस्त हैं, अगर तो आप हैं तो आंसर आ जाएगा ट्रू, और अगर आप मेरे दोस्त नहीं हैं तो आंसर आ जाएगा फाल्स, ठीक है। कंप्यूटर में बीच वाली चीज़ नहीं होती, कंप्यूटर में या 0 होता है या 1, ठीक है। 1 का मतलब एग्जिस्ट करता है, 0 का मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह या तो है, अगर है तो वो ट्रू है, अगर नहीं है तो वो फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि ऑपरेंड के दरमियान रिलेशन बताते हैं कि एक चीज़ दूसरी से बड़ी है या छोटी है या बराबर है या नहीं बराबर। ये क्या चीज़ें हैं, इनको ही हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। थ्योरी से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझ आएगी। आज के लेक्चर में हम रिलेशनल एक्सप्रेशन को भी देखेंगे। ऐसा ऐसी चीज़, यानी कि अगर कितनी बड़ी चीज़ लिखी है उसको एक्सप्रेस करके एट द एंड एक वैल्यू आंसर आया करे, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाए उसको हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर है 35। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशंस इन द प्रोग्राम। ओ, ये तो नई लाइन आ गई, ये तो हमने पहले पढ़ी ही नहीं। देखें, मैंने आपको कहा कि इसका आंसर या ट्रू आया करेगा या फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स किसका आंसर आता था, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कंडीशन या तो ट्रू हुआ करेगी या फॉल्स। तो इसका मतलब है रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है, कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं। देखें, रिलेशनल ऑपरेटर जब अप्लाई कर देंगे एट द एंड आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। कंडीशन का आंसर क्या आता है, कंडीशन भी या ठीक होती है या गलत। कंडीशन का आंसर भी, यानी कि देखें मैंने एक शर्त रख दी, अगर आप उस शर्त पे पूरा उतरते हैं तो ट्रू, अगर पूरा नहीं उतरते तो फॉल्स। देखें मैंने कह दिया m greater than 5, ये क्या है, कंडीशन है। m की वैल्यू देखेंगे, अगर तो m की वैल्यू 2 है, 2 greater than 5 तो कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर ने हमें कहा कि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं प्रोग्राम में, ठीक हो गया। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, 3 को नहीं कर सकते, 2 को, कितनी को, 2 को। तो हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर 2 वैल्यूज़ को कंपेयर किया करेंगे, क्या ये चीज़ उससे बड़ी है, क्या उससे छोटी है, क्या उसके बराबर है, क्या उसके बराबर नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। 6 हैं, पहले आपको बता दूँ अच्छी रहेगी। ये है ग्रेटर देन, यानी कि क्या लेफ़्ट वाली चीज़ राइट से बड़ी है। ये होता है लेस देन, क्या लेफ़्ट वाली चीज़ राइट से छोटी है, अगर छोटी होगी ट्रू वगैरह फॉल्स। क्या लेफ़्ट वाली चीज़ राइट के इक्वल है, अगर बराबर होंगी दोनों वाली तो ट्रू वगैरह फॉल्स। क्या लेफ्ट वाली चीज़ राइट वाले के इक्वल नहीं है, अगर इक्वल ना हुई तो इसका आंसर आएगा ट्रू, और अगर इक्वल है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्या लेफ्ट वाली चीज़ राइट वाले के इक्वल या इससे ग्रेटर है, अगर हुई तो ट्रू वगैरह फॉल्स। क्या लेफ्ट वाली चीज़ राइट वाले से लेस देन या इक्वल टू है, अगर हुई तो ट्रू वगैरह फॉल्स, ठीक है। तो हमेशा कितनी वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा, 2, एक लेफ्ट पे आया करेगी, एक राइट पे। तो ये 6 हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। दोबारा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, 6 है बस। ठीक है, इट प्रोड्यूस रिजल्ट ट्रू और फॉल्स, इसका आंसर भी दो ही आया करेगा, या ट्रू या फॉल्स। ठीक है, द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर समटाइम कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर्स आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स एज दे टेस्ट कंडीशंस दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स। देखें, रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंडीशनल ऑपरेटर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं। इसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये कंपेयर करते हैं किनको, दो वैल्यूज़ को। ये लिखा गया, ठीक है, यहाँ से स्पेसिफाई कंडीशन से कंडीशनल ऑपरेटर, कंपेयर टू वैल्यू से कंपैरिजन ऑपरेटर, और रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तीन नाम है। एज दे टेस्ट कंडीशन दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि कहते हैं कि ये कंडीशन को टेस्ट करते हैं कि दी गई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, ये लिखा हुआ ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ऑपरेटर इसको पढ़ते हैं, इसका आंसर ट्रू आएगा अगर लेफ्ट साइड वाली का आंसर ग्रेटर देन हुआ राइट वाले से, अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स आएगा। अगर इस साइड पे लिखी गई वैल्यू का आंसर इस साइड पे लिखी गई वैल्यू के आंसर से ज़्यादा हुआ तो इसका आंसर ट्रू आएगा, वगैरह फॉल्स। अब ये सारी आप पढ़ लीजिएगा। लेस देन ऑपरेटर है अगर इस साइड का आंसर इस साइड के आंसर से, लेफ्ट वाले का आंसर राइट वाले से कम हुआ तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अगर दोनों वाली साइड पे लिखा हुआ आंसर इक्वल हुआ तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, वगैरह फॉल्स आएगा। अगर इस साइड पे लिखा गया आंसर ग्रेटर देन हुआ इस साइड पे लिखे गए आंसर से, या दोनों के इक्वल भी हो गया, इक्वल हो जाए फिर भी, या ग्रेटर देन हो जाए फिर भी, इसका आंसर फिर ट्रू आएगा, वगैरह फॉल्स। इस साइड पे लिखा गया आंसर लेस देन हो इस साइड वाले से या इक्वल टू हो तो इस वक्त इसका आंसर ट्रू आएगा, वगैरह फॉल्स। अगर दोनों साइड पे कीमतें जो भी लिखी होंगी वो आपस में बराबर नहीं है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, वगैरह फॉल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिलेशनल एक्सप्रेशन। A relational expression is a statement that uses relational operators to compare two values। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें relational operators को यूज़ किया गया हो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, तो हम कहते हैं relational expression। The result of a relational expression can be true or false। जो भी रिजल्ट आया करेगा या तो ट्रू होगा या false। अब देखें, अब आप लोग का रिजल्ट आता है इतने नंबर इतने नंबर इतने नंबर इतने नंबर, ये काम नहीं है। रिजल्ट क्या आना चाहिए, या बंदा पास है या फेल, या बंदा पास है या फेल, या बंदा पास है या फेल, तीन दफ़ा बंदा कह लिया, बंदी का नाम लेते हैं, या बंदी पास है या फेल। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये नहीं कहा जाता कितना कितना नहीं है, बस या तो ट्रू या तो फॉल्स। बोथ साइड्स ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन कैन बी अ कांस्टेंट, दोनों साइड पे कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। कांस्टेंट भी, वेरिएबल भी, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी, इनके अलावा कोई चीज़ नहीं। ठीक है, कॉन्स्टेंट आप ये ना लिख दें, यानी कि यहाँ पे ये लिखा के यहाँ में उर्दू में कुछ लिख दें, यहाँ भी उर्दू में कुछ लिख दें, ऐसी बात नहीं है। हाँ, यूज़ कर सकते हैं मंतकी तौर पे, लेकिन प्रोग्रामिंग हमारी में सिर्फ कॉन्स्टेंट आ सकता है, वेरिएबल और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक, ये एग्जाम्पल दी गई है, 100 बड़ा है 15 से, हाँ सभी को पता है ट्रू है। 25 छोटा है 5 से, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है, तो गलत आ गया। 30 छोटा है या बराबर है 12 से, तो 30 12 के तो बराबर नहीं है, ये वाली तो गलत हो गई। अब 30 छोटा है 12 से, ये भी गलत हो गई, तो इसका मतलब फॉल्स। अब 40 इक्वल टू है 20 के, नहीं ये तो गलत हो गई। 40 ग्रेटर है 20 से, हाँ जी ग्रेटर वाली ठीक हो गई, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अब ये देखें, उन्होंने कहा ए करैक्टर ग्रेटर देन है बी करैक्टर से, तो ए करैक्टर की जो ये ना इसके ऊपर जो सिंगल कोटेशन लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है करैक्टर, तो इसकी आस्की कोड में वैल्यू होती है। तो अब आस्की टेबल मैंने डाउनलोड करके रखा तो हुआ था, अब ये प्रेजेंटेशन है प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये चीज़ चल रही है, तो अब मेरे लिए ये टेबल लेके आना मुश्किल होगा। मैंने वैसे ही चीज़ें लिखी गया, मुझे पता ही नहीं था ये एग्जांपल इसमें आएगी। ठीक है, तो यानी कि मुझे नहीं था पता ये वाली एग्जांपल भी यहाँ पर शामिल है, अगर होती तो मैं आज के टेबल भी यहाँ शामिल कर देता। ए करैक्टर का आंसर जो है ना वो बी करैक्टर से ज़्यादा होता है, क्या होता है, बल्कि कम होता है। यानी कि देखिए ये जैसे 55, 56, 57, तो ये जैसे स्मॉल ए करैक्टर की, ये स्मॉल बी करैक्टर की, ये स्मॉल सी करैक्टर की, तो ये देखें तो बी वाली ज़्यादा है ए से। ठीक है, तो इसी तरह जो कैपिटल ए करैक्टर होगा उसकी वैल्यू कम होगी बी वाली से, यानी कि ये वाली चीज़ गलत है, और गलत के साथ नाट लगा हुआ है, यानी कि फिर ये ट्रू हो जाएगी। गलत चीज़ के साथ नाट लगा हो तो इसका मतलब है वो चीज़ ट्रू हो जाती है। जीरो ग्रेटर दैन इक्वल टू है, जीरो ग्रेटर दैन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, इस वजह से ट्रू। जीरो लेस दैन है इक्वल टू, जीरो के लेस दैन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये ट्रू है। 1 नॉट इक्वल टू 2 के है, बिल्कुल ठीक। 5 नॉट इक्वल टू 5 है, गलत, क्योंकि 5 तो 5 के इक्वल होता है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक हो, तो ये हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन थे, यानी कि ये ऐसी चीज़ें थी जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ किया गया है। और इनका आंसर एक सिंगल वैल्यू आता है, या ट्रू या फॉल्स।